आप लोग सोच रहे होंगे कौन है भाई ये सामने बैठी हुई है। आई एम सौम्या पांडे, बेसिकली पेंटिंग करती हूँ। आई एम अ पेंटर, आई एम अ ड्रामेटिस्ट एंड आई एम अ टीचर। आई हैव माई पेंटिंग्स आर क्वेश्चनिंग जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं एज अ सोशल एज अ सोसाइटी, उनके ऊपर। इट्स लाइक माई पेंटिंग्स डू हैव समथिंग टू से, एंड आई राइट शॉर्ट सरकास्टिक प्लेज रिलेटेड टू सोशल इशूज़ जो अभी हमारे आसपास हो रहा है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अच्छा लगता है, दैट इज़ वर्क, माई वर्क एज अ टीचर। आई एम नॉट अ प्रीचर, आई टीच। आई एम अ फ्रेंड टू माई चिल्ड्रन एंड आई टीच देम। आई टीच ड्रामेटिक्स एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई मीन आई फील दैट आई रियली एन्जॉय बींग विद चिल्ड्रन बिकॉज दे आर द मोस्ट सेंसिबल एंड रीजनेबल एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल आई एम से, जिनको मैं जानती हूँ, क्योंकि दे डोंट हैव बायसेस, दे डोंट हैव एनी एप्रिहेंशंस एंड दे आर मोर ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड न्यू व्यूज एंड दे आर सिंपल एंड दे आर स्ट्रेट, यू कैन टॉक टू देम। सी माई जर्नी, आई विल लाइक टू टॉक अबाउट थ्री थिंग्स हियर टुडे। आई विल ऑफ कोर्स फर्स्ट आई विल लाइक टू टॉक अबाउट माई जर्नी। वाई? बिकॉज दैट इज़ वाई आई एम वॉट आई एम टुडे एंड दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग टुडे। वाई? दैट इज़ वाई एम डूइंग इट। द सेकेंड थिंग इज़ हाउ आई फील अबाउट द सोसाइटी, आर प्रेजेंट सोसाइटी वेर वी आर लिविंग, एंड वॉट एम आई डूइंग ऑन माई लेवल टू चेंज इट, ट्राइंग टू डू। आई मीन ऑफ कोर्स एंड आई कॉल इट बेबी स्टेप्स। वाई? बिकॉज बेबी स्टेप्स आर स्टेप्स जो बहुत केयरफुली चलने के लिए, जब आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में होते हैं तो डॉक्टर कहता है बेबी स्टेप्स आप लीजिए, दैट इज़ यू वॉक वेरी स्लोली। और जब आप कभी बीमार रहते हैं और आप तबीयत नई नई ठीक होती है तो कहते हैं धीरे धीरे कदम रखो और पेशेंस के साथ रखो, जाके आप गिरो नहीं, बेबी स्टेप्स वो कहलाते हैं। और दूसरा बेबी स्टेप्स इसलिए कि क्योंकि मैं ये बच्चों के थ्रू कर रही हूँ, दैट इज़ वाई आई अगेन कॉल इट बेबी स्टेप्स। अब माई अबाउट माई जर्नी, इट इज़ दिस दैट सी वेन आई स्टार्ट वेन आई वॉज बॉर्न आई मीन एज आई वॉज बॉर्न इन अ फैमिली जो बहुत ही टॉलरेंट थी। वी हैड ब्राह्मणिकल ट्रेट्स, रिचुअलिस्टिक, जो माई ग्रैंड मदर शी वॉज टोटली रिलीजियस एंड वेरी मच इन टू राइट एंड रॉन्ग एंड रिचुअल्स एंड टैबूज एंड ऑल दैट। एंड माई ग्रैंड फादर वॉज डिक्लेयर्ड एथिस्ट बाई दैट टाइम। ही वॉज टोटली नॉट इन टू इट टू द एक्सटेंट दैट ही डोनेटेड इज होल बॉडी after his death. He was the first one to donate it in India, whole body. In 89 he did that. So there were two different views, but aisa nahi tha ki aap everything coexisted peacefully, like India we can say, just like our country, jaise hamari country mein sab kuch peacefully coexist karta tha kuch samay pehle tak, shayad karta rahe aage bhi, but anyways, so but as a young girl I could still feel those patches, rough patches of discrimination, gender discrimination. From a very young age, I was a girl, little girl, I could feel that. Of course, less in my house and more outside, an outside world. I was living in two different worlds. Ek mera ghar tha, jahan pe you were allowed to do what you want to, and you could live in a very, very liberal kind of an atmosphere. You could believe in anything, you could do anything, you could be atheist, you could be a religious Hindu, or whatever you wanted to do. And there was a world outside, where things were very much, you had to walk on the line. It was clear that you cannot do this, and being a woman, okay, that's your first mistake, that you're born as a woman. इसका आप कुछ नहीं कर सकते. Anyways, so although घर में भी ऐसा नहीं है कि कभी मुझे उसका सामना नहीं करना पड़ा. ऑब्वियसली सोसाइटी का सब पार्ट है, सब लोग उस एक खास एनवायरनमेंट में पलते. ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स या बाकी लोग जो फैमिली में हैं वो इसलिए आपके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे आपको पसंद नहीं करते या आपको प्यार नहीं करते. इट इज़ बेसिकली दिस बिकॉज दे आर ब्रॉट अप लाइक दैट, दे आर ब्रॉट अप इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन सिस्टम विच टेल्स देम दैट दिस इज राइट एंड इट्स इन देयर साइकी डीप इन. एज अ यंग गर्ल आई वॉज वेरी एंग्री. आई वॉज लाइक आई टुक इन टू मार्शल आर्ट्स एंड आई एम रेड बेल्ट इन ताइक्वांडो. सो आई एट दैट टाइम वेन आई वॉज यंग आई यूज टू थिंक दैट आई कैन चेंज द होल वर्ल्ड विद द पावर ऑफ माई फिस्ट एंड एट इवेंट्स आई डिड दैट ऑल्सो बिकॉज एट दैट टाइम वेन आई वॉज ग्रोइंग अप सोसाइटी वॉज मोर इंटॉलरेंट टूवर्ड्स वेमेन. दे वर डी टी सी बसेज विच वी यूज टू ट्रेवल इन एंड वी यूज टू सी पीपल मोलेस्टिंग वेमेन एंड लेडीज एंड एवरीबडी एंड एंड वेमेन हैड दिस. नाउ डेज थैंकफुली वेमेन हैव द गट्स टू speak up, at least protest. At that time it used to be avoided. Bekar mein panga kyun le rahe, avoid karo situation ko. But I was never like that. I grew up and I was always very angry.
So, but I guess age and gray hair gives you some calmness. पर एक चीज़ और मैंने रियलाइज़ की एज के साथ, वो ये था कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी सिंपल नहीं हैं. डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ जेंडर तक ही सीमित नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत तरह का है. और इसको फाइट करने के लिए आप अगर सिर्फ एक डंडा लेके खड़े जाएंगे या पीट देंगे चार लोगों को तो वो चीज़ सॉल्व नहीं हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ये बहुत लेवल तक है, बहुत डीप एम्बेडेड है in the psyche of people in the society. You cannot just change it in a day, and we have to have a more patience-full attitude. Ya ek bahut aaram se isko dekhna padega, bahut andar se isko safai se nikalna padega, andar se ye zaruri hai. Par everybody has a plan in life till life knocks you off with a punch. And that happened with me. Even I had plans, but I went to into depression for a couple of years. I was into severe depression. So that time, but one thing I'm really thankful that my sense of rights and wrongs did not leave me even at that time. मुझे पता था कि क्या सही है, मुझे क्या करना है, and I knew that नहीं मुझे I have to get out of it, I have to fight out and I have to come out. And they say ना कि जो things which don't kill you they make you stronger. So that maybe happened with me. I decided when I as in process of getting healed from my recovery from my problem of depression, I decided that I will not only work for myself but also for others. Ab problem ye hai others ke sath deciding is easy, but when you really get into the world, and especially when I started interacting with people, my friends and people around, I feel that I realize that adults have a certain frame of mind which you can't change. Ek block hai. And we overvalue sameness and consistency, you know. कि जो गलत जो अलग है वो गलत है, वो कल्चरली हो, वो थॉट हो, वो एक लाइफ जीने का तरीका हो, या वो कुछ भी है, वो अलग है मतलब दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ इनटॉलरेबल, उसको बिल्कुल आप मत बर्दाश्त करिए. तो और ये आप जो इतने साल 20 साल 30 साल की जो परवरिश है वो उसका पार्ट है, वो आपके अंदर घुस जाता है. वो ज़्यादातर एडल्ट्स आर नॉट रियली वेरी मच ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड न्यू थॉट प्रोसेस. ये क्या बकवास है, नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है, उनका अपना कॉन्सेप्ट होता है. मेरे साथ भी ऐसा था कि द टाइम व्हेन आई वाज इनटू डिप्रेशन, और मेरी साइकी पे ये हो रहा था कि जैसे जैसे आप इनसिक्योर होते जाते हैं लाइफ में, मैंने ये देखा, आप उतने ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते जाते हैं. पहले मुझे सुपरस्टिशन पे गुस्सा आता था, क्या लोग इतने सुपरस्टिशन है, ये क्या फॉलो कर रहे हैं, ये धागा बांध रहे हैं तो ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं. बट व्हेन आई माई सेल्फ वेंट इनटू डिप्रेशन एंड आई स्टार्टेड गेटिंग इनसिक्योर, और जब फियर्स ऑफ इनसिक्योरिटी ऐसे हों जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अगर मेरे सामने कोई खड़ा है तो आई हैव द पावर, आई कैन हिट दैट पर्सन, बट जब इनसिक्योरिटी ऐसी डर ऐसे हैं जो दिख नहीं रहे, तो उन डरों के सामने आदमी इनसिक्योर होता है. देन यू गेट टेंड टू गेट मोर एंड मोर सुपरस्टिशियस, बिकॉज इवन सुपरस्टिशन डजंट हैव अ लॉजिक एंड योर फियर्स डोंट हैव अ लॉजिक, सो इट जेल्स वेरी वेल, यू कैन वेरी वेल लिव विथ इट. एंड आप सुपरस्टिशियस हो या आप ये बिलीव करिए कि नहीं ये मैं करूँगी तो ये हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म हो गई. सो इट इज़ दैट वे. सो सुपरस्टिशन मुझे ये समझ में आया अपनी इलनेस से और अपनी रिकवरी से कि सुपरस्टिशन जो लोग सुपरस्टिशियस हैं वो बुरे ही नहीं हैं, ये उनकी बीमारी है, ये एक प्रॉब्लम है जिसको डील करना होगा. अगर हम कहते हैं कि बीमारी है तो बीमारी से तो यार साइकोलॉजिकल, यू ट्राइंग टू से आई एम अ साइकोलॉजिकल केस. एवरीबॉडी हेयर, एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, वी हैव सम और द अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, जिसको हम अलग अलग चीज़ों से काउंटर करते हैं, रिलीजन से काउंटर करते हैं, हम कोई फेथ डेवलप करते हैं उसको फॉलो करते हैं, उसको किसी ना किसी तरह से हम कोशिश करते हैं फाइट करने की, हमेशा दवा से ही नहीं करते, पर इसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. एंड अगर लाइफ में हम जो फैक्ट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट कर लें तो आधी प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाती है. खैर ये लेकिन होता नहीं है लाइफ में ज़्यादातर लोगों के साथ, और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स की जड़ यही होती है कि हम नहीं कर पाते. अब विथ सीइंग दिस कि यहाँ पे तो आई जस्ट रियलाइज कि आप एक एवरीबडी वाई पीपल आर सो इनटॉलरेंट, बिकॉज द प्रेशर इज सो मच इन लाइफ, एवरीबडी इज अंडर द प्रेशर ऑफ बींग समथिंग, बिकमिंग समथिंग, कुछ बनना है, कुछ करना है, बहुत पैसे कमाने हैं, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, फैमिली को सिक्योरिटी देनी है, तो किसके पास, हु हैज़ द टाइम टू रियली इन्वेस्ट योर माइंड एंड योर इंटेलेक्ट की भाई एनालाइज करने में कि क्या हो रहा है आसपास. अरे वी आर फेसिंग ऑपरेशन एंड यू नो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम एवरी डे इन आर लाइव्स,
but we are avoiding it. Why? Because nobody wants to get into this problem. घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, हम बोलना ही नहीं चाहते. क्यों? बोलने का मतलब है कि टकराव होगा, बेकार में आर्ग्यूमेंटेशन, कौन आर्ग्यूमेंट में फंसे, छोड़ो यार, चलने दो, यू नो दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड. वही सोसाइटी को एक पॉइंट पे जाके ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है. लेकिन मुझे ये लगता है कि, तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे समझ में आ गया कि ये बच्चों के, ये बड़े लोगों के साथ हो नहीं सकता. आई हैव बीन सीइंग दे आर वेल इंटेंडेड इंडिविजुअल्स, एनजीओज हैं, फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, वो आर फाइटिंग ऑन देयर लेवल्स, वो समझा रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं, बताया जा रहा है, लेकिन क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है? क्योंकि लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है. दे डोंट वॉन्ट टू चेंज, दे आर नॉट इंटरेस्टेड. तो कौन है? मैंने सोचा मैं एक ऑर्डिनरी औरत, मैं क्या कर सकती हूँ? अभी तो डिप्रेशन से निकली भी नहीं हूँ पूरी तरह, दवाएँ खा रही हूँ किसी तरह से. अब ठीक है, मुझे रियलाइजेशन हो गया है, पर इस रियलाइजेशन के आगे क्या होगा? इसको कैसे मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूँ, हेल्प कैसे करूँ अपने आगे पीछे लोगों को? बट देन आई डिसाइडेड कि मैं कोशिश तो करूँगी अपनी तरफ से, चाहे वो छोटी क्यों ना हो, आई विल ट्राई. पर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जो सबसे, उन लोगों को अप्रोच करो जो अभी भी इससे इफेक्ट नहीं हुए हैं, ज़्यादा स्ट्रेस से अभी वो गुजर नहीं रहे हैं. वो कौन है? तो वो बच्चे हैं जो कम इफेक्टेड है. ऐसा नहीं है कि वो इफेक्टेड नहीं है, वो भी बहुत इफेक्टेड है, जब आप उनसे बात करें तो पता लगता है, पर वो कम इफेक्टेड है. और दे आर मोर ओपन, दे आर मोर रीजनेबल, दे आर मोर रैशनल. आप उनसे बात करिए, बच्चों को जितना सीरियसली लिया जाता है वो उससे ज़्यादा सीरियसली लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ज़्यादा समझदार हैं बड़े लोगों से. बड़े लोग, हम लोग देख के भी चीज़ों को नहीं देख पाते बिकॉज ऑफ आवर ओन बायसेस. बच्चों का बिकॉज दे डोंट नो many of the biases, so they are not biased. Then I started working with children. Bachchon ke saath I do plays with them, I take classes. See, parents don't send children to me to get them socially aware citizens, no, to make them socially aware, nahi. They send their children to me for their personality development, because they want their children to be outspoken. स्टेज फ्राइट ना हो, शाइनेस खत्म हो, अपने रिजल्ट में अच्छा करें, उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सके, अच्छे नंबर ला सके, लाइफ में अच्छा कर सके, दैट इज़ देयर पर्पस. बट आई एम स्नीकिंग इन सम सोशल अवेयरनेस इन देम, इन देयर लाइव्स थ्रू दिस, एंड दैट इज़ वॉट इज़ माई पर्पस इज, कि मैं बच्चों की लाइफ में और बच्चों के थ्रू उनके पेरेंट्स के लाइफ में उस सोशल अवेयरनेस को, सोशल इशूज़ को जो शायद वो नहीं सोचना चाहते, उनको डालने की मैं कोशिश कर रही हूँ. दैट इज माई वर्क. मैं बच्चों के साथ, जैसे मैं प्लेज लिखती हूँ, आई राइट शॉर्ट प्लेज ऑन मैनी इशूज़, रोड सेफ्टी है, रोड रेज है, वीमेन एम्पावरमेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, बहुत से इशूज़ पे लिखती हूँ. तो आई एम डूइंग, और ऐसी भाषा में लिखती हूँ जो बच्चे समझ सकें, छोटे बच्चे इन द सेंस, मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो 12-13 साल तक के ही हैं, और उनकी उम्र जो है वो 5-6 साल से शुरू होती है. तो वो बच्चे सब कुछ समझ भी नहीं सकते बहुत स्ट्रेट, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर वो रिलेट कर पाते हैं, वो रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि वो भी देख रहे हैं लाइफ को. दे ऑल्सो शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, जो चीज़ें वो, आई डोंट प्रीच देम, बिकॉज व्हेन यू बिकम अ प्रीचर और अ टीचर देर इज़ अ बैरियर अपने आप बन जाता है, क्योंकि फिर वो आपसे उस तरह ओपन होके बात नहीं करना चाहिए. ऑब्वियसली आप एक बैरियर क्रिएट कर देते हो, एक डिस्टेंस है वो, एक तो मैं वो डिस्टेंस कभी मैंने बनाया ही नहीं अपने बच्चों के साथ. आई बिहेव लाइक देम, आई बिकम अ फ्रेंड उनसे, मैं वो फ्रेंडशिप के लेवल पे वो डिसॉल्व कर दिया है मैंने बैरियर, सो दैट दे आर कंफर्टेबल विथ मी, दे कैन टॉक एनीथिंग टू मी. और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्यों? क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि बहुत सी चीज़ें जो बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते हैं, या अपने पेरेंट्स के साथ नहीं सोचते हैं कि वो शेयर कर सकते हैं, वो आके मुझे बताते हैं. एंड इन माई क्लास द बेस्ट थिंग इज़ दिस, कि आई फील दिस, कि देर इज़ अ प्लेस वेर दे कैन टॉक. आज ऐसा एनवायरनमेंट है, जैसे मैं आपको कहा, घर में भी लोग बोलने से डरते हैं, घर में भी बच्चे तक, उनको पता है कि यार ये बात मैं बोलूंगी या बोलूंगा तो पेरेंट्स विल गेट एंग्री, आई कॉन्ट से दिस, इवन दे आर अंडर दिस प्रेशर कि हम नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो मम्मी को बुरा लगेगा, पापा को बुरा लगेगा. जैसे बच्चे हैव बीन शेयरिंग विथ मी, आप लोग, मतलब हम लोग सोचते हैं कि बच्चे तो ठीक है, वो बेफिक्र है, मैंने जहाँ तक मुझे भी लगता था कि बेफिक्र, उन्हें चिंता नहीं है, दुनिया का कोई टेंशन नहीं है, पर ऐसा नहीं है. बच्चे भी देखते हैं, और बच्चे जो हम उन्हें सिखाते हैं वो नहीं सुनते हैं, जो वो देखते हैं उसे वो इमिटेट करते हैं, क्योंकि वो उनको ज़्यादा से ज्ञान, तो कोई ज्ञान नहीं चाहता, बच्चों को भी ज्ञान पसंद नहीं है,
वो भी आप पढ़ा के उन्हें जाइए तो उनको इंटरेस्टेड नहीं है वो फॉलो करने में, वो देखते हैं आप कैसे बिहेव करो, पेरेंट्स को वो देखते हैं आप क्या कर रहे हो, बड़े लोगों को वो देखते हैं और उससे वो इमिटेट करते हैं बिहेवियर। सीधी सी बात है, ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो लर्निंग ना कि लाइफ में कैसे, लाइफ दुनिया कैसे जिंदगी जी रही है, हमें भी वैसे ही जिंदगी आगे चलानी है। तो अब उसमें मैंने ये चीज़ एक रियलाइज़ करी बच्चों के साथ काम करते हुए, लाइफ में आदमी जैसे जैसे एक्सपीरियंस करता है या जैसे जैसे, अब मुझे लगता था कि बच्चे भैया सबसे ब्लिसफुल स्टेट में हैं, इनसे बात करो तो ये बहुत खुश हैं। ऑफकोर्स बहुत खुश रहते हैं बच्चों की ये चीज़ है कि अगर आप बीमार, अगर मैं बीमार होंगी तो मैं क्रोसिन खा लूँगी तो उफ उफ करती रहूँगी पेन हो रहा है, तो छोटे बच्चे वो 104 बुखार होगा तो भी वो क्रोसिन आप खिला दीजिए पकड़ के दौड़ता है वो अपना खेल रहा है वो खुश है। चाइल्ड इज़ हैप्पी विद लाइफ, चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी पीपल, सो दैट वे। लेकिन मेरे पास जैसे बहुत से बच्चे आए, जैसे वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, सम ऑफ देम आर गोइंग थ्रू सेक्सुअल हैरेसमेंट, सम ऑफ देम आर फेसिंग देयर मदर्स, देयर वुमेन इन देयर हाउस आर सब्जेक्ट टू डोमेस्टिक वायलेंस, दे शेयर इट विद मी, मैम हाँ ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ भी कभी कभी ऐसे होता है। ऑफकोर्स दे आर नॉट वेरी, दे ऑल्सो फील एम्बेरस्ड टू शेयर इट, बहुत उनको भी पता है कि ये शायद बोला नहीं जाना चाहिए, बताना नहीं है, पर अच्छा है वो शेयर करते हैं। फिर मैं उनको आई गिव देम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू लाइफ कि देखो लाइफ में ये गलत है, ये हमारे बायसेस हैं, ये आपको नहीं करने, यू नो यू डोंट हैव टू गो दिस वे, यू डोंट हैव टू फॉलो प्रे टू दिस। देन वन ऑफ माय स्टूडेंट्स नेहा, शी हर फादर ब्रॉट हर टू मी 2 years आफ्टर हर मदर पास्ड अवे, she was in third, her mother passed away, and at that time after that she went into her shell, wo bahut introvert ho gayi, kisi se baat hi nahi karti thi, matlab when she came to my class, mere dramatics ki class mein wo aayi, mujhe uska existence nahi feel ho raha tha, wo ek kone mein dupak ke baithi hui, bolna wo minimum ha ya na mein jawab degi, uski awaaz itne dheere nikalti thi ki sunai bhi nahi padti thi, khair I worked with her and I'm happy ki 6 months mein she is like I cannot fill that grief that she has to live her life without her mother, that is there, nobody can fill that, but she has adjusted to it and she's a happier person, bahut confident hai she, even hamare, I was very happy to see this ki hum log performance ke liye gaye the 26 January ki baat hai, Shipra Mall mein, it was like khachakhach bhara hua tha, there was no platform alag se, Nukkad Natak ke scenario tha, लोगों को हटा हटा के हमें प्ले करना था, एंड बच्चे कुछ बच्चे घबरा भी रहे थे कि मैम इतनी भीड़ है ये, मैं कह नथिंग इन ऑल दैट, बट शी वाज लाइक मैम जल्दी करिए, उन्होंने बोली जल्दी अरेंज करें माइक वाइक, हमें शुरू करना है, हमें शुरू करें, शी वाज सो एक्साइटेड एंड आई वाज रियली हैप्पी टू सी हर चेंज लाइक ट्रांसफॉर्म लाइक दिस, तो अच्छा लगता है देख के। एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी अपने डिप्रेशन और सुपरस्टिशियस होने से जब मैं निकलने लगी डिप्रेशन से रिकवरी में, वो था कि मुझे, मैंने माइथोलॉजी को एक, बहुत माइथोलॉजी पढ़ी है मैंने, इंडियन माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी खासकर इंटरेस्ट से, बिकॉज आई वाज रिलीजियस एज एट अ टाइम एंड ऑफ कोर्स आई वांटेड टू रीड मोर, नॉट ओनली सम बुक्स बट थोड़ा ज़्यादा जानना चाह रही थी। तो जानते जानते मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो जेंडर बायस है वो सिर्फ हमारी लाइफ में ही नहीं है, वो माइथोलॉजी में भी चला गया है, स्पेशली देयर सम गॉडेसेस who are independent attributes और जो थोड़ा ज़्यादा ferocious हैं उनको obscurity में बहुत सावधानी से slip in कर दिया, कि उनको भुला दिया जाए या उन पर उन्हें छुपा दिया जाए वाली स्थिति है। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ देम इज़ नरसिम्ही और सिंह मुखा गॉडेस, दीज डेज ऑल्सो शी इज़ वर्शिप्ड इन सदर्न पार्ट ऑफ आर कंट्री एट प्रत्यंगिरा, उनको अथर्व काली के नाम से भी जाना जाता है, शी वॉज इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम एंड अब शी इज़, इनफैक्ट शी इज़ नॉट ओनली वर्शिप्ड इन इंडिया बाय द नेम ऑफ शेखमेट, शी इज़ देयर इन इजिप्ट ऑल्सो, एंशंट इजिप्ट, शी इज़ अ गॉडेस विथ अ लायन फेस, मेल लायन फेस एंड बॉडी ऑफ अ वुमन एंड अ स्नेक ऑन हर हेड, शी हर जेंडर इज चेंज्ड टू नरसिम्हा, शी इज़ वन ऑफ द अवतार्स ऑफ विष्णु नाउ एंड इन फैक्ट मैनी ऑफ द अवतार्स ऑफ विष्णु आर देयर हु वर अर्लियर फीमेल गॉडेसेस एंड लेटर ऑन दे वर चेंज्ड, देयर जेंडर वॉज चेंज्ड, दे वर मेड मेल, वाई, बिकॉज वो लोगों के दिमाग से साइकी से
वर्शिप करने का वो ख़त्म नहीं हुआ। इवन सिंह मुख जो था देवी का, वो सिंह सवारी हो गई, दुर्गा की सवारी सिंह है, सवारी बना दिया उन्हें, बट ऑफकोर्स नॉट वर्शिप एज अ गॉडेस। सिंह मुखा वॉज इवन बुद्धिज्म में भी वो हैं, सिंह मुखा डाकनी के नाम से, बिकॉज जब बुद्धिज्म शायद इंडिया से गया बाहर तो वो बहुत इंपॉर्टेंट गॉडेस रही थी और उनको नहीं छुपाया जा पा रहा था। अब उनकी खास इंपॉर्टेंस नहीं है। बहुत सी ऐसी गॉडेसेस हैं जिनका, और आई एम वर्किंग ऑन दैट, आई एम स्टिल रिसर्चिंग ऑन इट एंड आई एम मेकिंग पेंटिंग्स ऑन दैट एंड आई होप टू हैव माई नेक्स्ट एग्जीबिशन ऑन इट। पर मतलब पर यही है कि अब जैसे एक मेरा प्ले है जो मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि देखिए बायस सिर्फ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तक ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना। अब आई हैड रिटन अ प्ले ऐसा क्यों है करके, दैट वाज आपको शायद याद होगा 2013 में जनवरी में, 20 जनवरी आई थिंक, नीदो तामयान नाम का एक लड़का था अरुणाचल प्रदेश का, लाजपत नगर में ही हैड अ फाइट, कुछ लड़ाई हुई उसकी और ही वॉज किल्ड। लड़ाई क्या थी कि उसका हेयर कलर वॉज डिफरेंट, हिज ही वॉज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, डिफरेंटली ड्रेस्ड, डिफरेंट इन हिज होल एटीट्यूड एंड थिंग, तो पीपल डोंट लाइक इट। लड़ाई हुई उसको, दे ही हैड टू पे ऑल्सो, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, पुलिस वॉज ऑल्सो नॉट इन हिज फेवर, अल्टीमेटली ही डाइड बिकॉज ऑफ हिज इंजुरीज। हम लोगों ने यही प्ले किया कि भाई जो अलग है, अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है कि आप 10 रुपये का क्या करना चाहते हैं। हो सकता है मैं उस 10 रुपये में से 5 रुपये अपनी जेब में संभाल के रखना चाहूँ वक्त के लिए, हो सकता है मैं उस 5 रुपये का गुलाब खरीदना चाहूँ, तो ये चॉइस मेरी है। तो ये किसी और को ये राइट नहीं होना चाहिए मेरे लिए डिसाइड करने का या मुझे जज करने का, जब तक मैं किसी और को नुकसान नहीं पहुँचा रही। अगर मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रही हूँ और मैं किसी और को कोई हार्म नहीं पहुँचा रही हूँ, तब तक आई डोंट थिंक इट शुड बी एनीबडीज, इट इज़ नॉट एनीबडीज बिजनेस टू बॉदर। आज के टाइम में आप बाहर जाइए, इनटॉलरेंस का ये हाल है, गलती से आपकी गाड़ी, गलती से आप जरा सी किसी की गाड़ी से हिट कर दीजिए। व्हेन देयर आर इश्यूज, किसी खास मामले पे अगर कोई प्रिंसिपल होगा, कंट्री के लिए फाइट करना होगा, कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं बोलने वाला है। बस में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बूढ़ा बीमार आदमी को टकरा जाए, किसी की लड़ाई हो जाए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जरा सी गाड़ी में एक इतना सा स्क्रैच आ जाए, लोग जान देने जान लेने के लिए खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए आधा घंटा आपसे। पीपल आर नॉट रेडी, दे डोंट इवन नो यू बट दे आर रेडी टू किल यू, दे आर नॉट रेडी, द टॉलरेंस लेवल इज बिकमिंग लिटरली जीरो। स्ट्रेस है, सबके लाइफ में स्ट्रेस है, और ये बेसिकली जो मेटेलिस्टिक लाइफस्टाइल है ना आजकल का हम लोग का, ये उसी का प्रेशर है और कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा प्रेशर में आ चुके हैं दैट वी डोंट वॉन्ट टू टेक एनी मोर प्रेशर। टॉलरेंस तो ही नहीं, मैं क्यों बर्दाश्त करूँ, इतनी टेंशन है सर में, मैं क्यों कोई और नया वो लेने जाऊँ। इट्स बेसिकली दिस। मेरी लेकिन कोशिश यही है कि जो बच्चे हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, उनमें मैं ये वैल्यूज़ इनकलकेट करूँ कि भैया लाइफ को डोंट बी सो इनटॉलरेंट, ट्राई एंड एक्सेप्ट थिंग्स विच आर डिफरेंट, थिंग्स विच आर डिफरेंट मे नॉट बी ऑलवेज रॉन्ग, एंड यू शुड बी एबल टू एनालाइज, शांति से एनालाइज करिए, ट्राई टू गो फॉर, आई डोंट टीच देम संस्कार कि हाँ भाई आप ये करिए, ये अच्छा काम है, ये बुरा, आई जस्ट टेल देम बेसिक चीज़ें जो सही या गलत हैं। किसी भी, आप किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी रिलीजन में जाइए, किसी को मारना गलत है, आप किसी को हर्ट मत करिए, किसी को तकलीफ मत दीजिए, किसी का नुकसान मत करिए, जो आपको सही लगता है वो आप करिए, पर ये देखते हुए कि किसी और को आप तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे किसी को, अगर आप कर सके तो हेल्प करिए। दिस इज़ व्हाट आई टीच माय चिल्ड्रन एंड आई रियली होप एंड आई एम श्योर दैट आई विल बी एबल टू ब्रिंग सम चेंज इन द सोसाइटी, मे बी सोसाइटी ऑफ टुमारो, नॉट ऑफ टुडे, बट दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग एंड That is what I am intending to do. That's all. Thank you.